बारिश की वजह से कैसे शेर में लोग छुपे पड़े हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। उसके बाद आप लोग का क्या होता है अगले बार के लिए तैयारी होता है? फिर अगले साल के लिए मतलब कि आप लोग ये चेन्नई के दो छोटे छोटे फैन यहाँ पे और पहुँच चुके हैं जो मैच का मजा लेने के लिए खड़े हैं और ये छोटा फैन आज रोजा है फिर भी आया मैच देखने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं धोनी के आते ही कैसे पब्लिक के बीच में खुशी का माहौल छा गया है। रविंद्र जडेजा जब आउट होते हैं तो लोग दुखी मनाने की जगह पे खुश होते हैं ताकि धोनी आएंगे बैटिंग करने, और यहाँ पे सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। धोनी के आते ही लोग चिल्लाना शुरू कर दिए धोनी धोनी, और यहाँ पर सारे लोग भीड़ कैसे दिख रहा है आप देख सकते हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। और धोनी के बैटिंग के टाइम तो सिर्फ स्टेडियम में ही सिर्फ पीला जर्सी और कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ पीला जर्सी, और यहाँ भी देखने को मिल रहा है आपको। रहा बारिश और बारिश ने पूरे मैच का मजा खराब कर दिया, फैन पूरे फैन पार्क को खाली करवा दिया बारिश ने। सो सब लोग यहाँ पे बैक टू पवेलियन जो जो कवर एरिया है वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कैसे शेर में लोग छुपे पड़े हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। वैसे 5-10 लोगों की जगह पे 25-30 लोग खड़े हैं, उससे ज्यादा ही होंगे। वैसे बारिश ने फैन पार्क का मजा खराब कर दिया, लेकिन कोई इंतजार में है कि जैसे बारिश छूटे तो फिर से मैच देखा जाए। ये देखिए धोनी के फैंस लोग। वैसे फील्ड तो पूरा खाली है, पूरा मैदान खाली है, सारे लोग इधर उधर हैं और कुछ लोग हैं जो स्टील बॉडी वाले अभी भी मैदान में टहल रहे हैं। बारिश थोड़ी कम हुई है, वैसे लोग देखे शेड से बाहर की तरफ जा रहे हैं ताकि मैच शुरू हो और मैच का मजा ले सके। देखिए वैसे बारिश रुकी नहीं है, हल्की हल्की कम हुई है। देखिए अभी बारिश हो ही रही है इसलिए अभी मैच स्टार्ट होगा नहीं टिल जब तक बारिश रुक ना जाए। फिलहाल बने रहिए और मौसम को एंजॉय कीजिए। वैसे इस मौसम में चाय पकड़े हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे चाय का इंतजाम तो है नहीं यहाँ पे, सेल्फ सर्विस है, खुद लीजिए और यूज़ कीजिए। फूड स्टॉल वो बना हुआ उस तरफ जाइए और जो खाना खाइए। कुछ मेनू लिस्ट भी है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मैं आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी के पास ले जाता हूँ जो यहाँ के मैनेजमेंट देख रहे हैं, उनसे आपको मिलवाता हूँ और उनसे कुछ बात करते हैं तो कुछ बताते हैं आपको। आपका अच्छा मोनू सर हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और यहाँ देखते हैं। तो सर आप लोग जो है पूरी टीम के साथ जहाँ जाए या आईपीएल फैन जाती है वहाँ जाते हैं पूरी टीम के साथ है? अच्छा पूरी टीम के साथ है। तो आप लोग को टाइटल है हायर कर रखा है, आप उनके अंडर में काम करते हैं?
अच्छा, और कुछ आप जैसे यहाँ से जब गुवाहाटी जाएगी, यहाँ से गुवाहाटी का प्लान है? अच्छा, गैंगटॉक का प्लान है। अच्छा, तो पूरे टीम यहाँ से फिर वहाँ गैंगटॉक जाएगी। तो ये जब तक आईपीएल का सीजन चल रहा है फैन पार्क का, तब तक आप पूरे टीम काम करते हैं, उसके बाद आप लोग का क्या होता है? अगले साल के लिए, मतलब कि आप लोग ये टाटा की तरफ से परमानेंट एम्प्लॉई हैं जो इनके अंडर में काम करते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, थैंक यू सर। यहाँ पे मोनू सर जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है, उनसे बात किया मैंने, और वो पूरे टाटा की तरफ से और टाटा के लिए काम करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ इंडिया में फैन पास होगा वहाँ वहाँ जाते हैं और वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज वो देखते हैं, और फिर और फिर वो नेक्स्ट ईयर जो भी प्लान होने वाला है उसके लिए वो काम करते हैं। तो चलो उनसे बात करके अच्छा लगा, और फिर आपको हम किसी और का भी देखते हैं, और फिलहाल आप मैच को एंजॉय कीजिए। सारे लोग जैसे एंजॉय कर रहे हैं, बारिश रुक चुकी है और यहाँ पे फिर से आईपीएल का मैच स्टार्ट हो चुका है, फैन पार्क में फिर से मैच स्टार्ट है, और यहाँ पे पहले की तरह भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे अभी भी रुके हुए हैं और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे बारिश अभी भी हो रही है, बूंदा-बूंदी शुरू है, लेकिन फिर भी मैच प्रेमी जो है वो मैच को देख रहे हैं और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ पे पूरा भीड़ लगाए हुए हैं और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए हम लोग भी मैच को एंजॉय करते हैं और हमारे साथ बने रहिए और मैच को मजा लीजिए। चलिए फिर मैं यहाँ पे लोगों का राय पूछता हूँ कि आज का मैच कौन जीतेगा और धोनी क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे अगले साल। चलिए, एक हमारे धोनी के फैन है, मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ। भाई, हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो उस्मान साहब, जब बताइए कि आज का मैच कौन जीत रहा है? आज का मैच पंजाब किंग जीत रहे हैं। अच्छा, पंजाब जीत रहा है। आपको ऐसे कैसा लग रहा है कि पंजाब जीत सकता है? ओवर में 80 रन बन चुके हैं, ऑलरेडी बैट्समैन सेट है, अभी खेल रहे हैं अथर्वा टाइडर और अभी लिविंगस्टन आएंगे जो फॉर्म में चल रहे हैं, उसी का अनुमान लगा के बताया जा रहा है कि आज का मैच पंजाब जीत रहे हैं। लेकिन पिच तो ड्राई है ना, तो बाद में बॉलरों को सपोर्ट मिलेगा तो ये भी तो सकता है कि लास्ट में विकेट गिरे। और नहीं सकते, लेकिन मेरा अनुमान है ज्यादा कि पंजाब आज का मैच जीत रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। ये बताइए कि धोनी अगले साल आईपीएल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? हालांकि बोला गया तो नहीं खेलेगा, लेकिन मतलब सबका अनुमान है कि लास्ट उसका सीजन है, लेकिन फैन लोग चाह रहे हैं कि वो आगे भी खेलते रहे। चलिए, यहाँ धोनी के फैन चाहते हैं कि और भी वो धोनी खेले। चलिए फिर, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए हम कुछ और लोगों से पूछते हैं कि धोनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ धोनी के फैंस हैं जिनसे मैं चाह रहा था बात करना, लेकिन बात नहीं करना चाह रहे, वो शर्मा रहे हैं। चलिए मैं धोनी के और छोटे फैन से बात करता हूँ, वो क्या कहते हैं धोनी के बारे में और आज के मैच के बारे में। हाँ तो आपका नाम क्या हुआ? नासिर अब्दुल्ला। अच्छा नासिर साहब, बताइए आज का मैच कौन जीत रहा है? चेन्नई। कैसे? ये आपका प्रिडिक्शन है या कुछ कैलकुलेशन करके बता रहे कि आज चेन्नई मैच जीतेगा? अच्छा, होम पिच के कारण। चलिए, तो छोटे फैन ने कहा कि होम पिच में मैच हो रहा है इसलिए चेन्नई जीतेगी। और धोनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्यों अगले साल आईपीएल खेलेगा कि नहीं खेलेगा? 100% अच्छा, 100% खेलेगा। चलिए, ये हुआ जज्बा और जोश जो धोनी के फैंस है, चाह रहे हैं कि अगले साल धोनी फिर से खेले। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर हम किसी और से बात करते हैं। ये देखिए, चेन्नई का बहुत बड़ा फैन, जब मैच खत्म हो गया तब पहुंचा है। यहाँ आप देख सकते हैं मैच बहुत ही क्रूशियल पोजीशन में पहुंच चुका है, लास्ट दो ओवर में 5 रन चाहिए। सारे चेन्नई फैंस अफसोसनाक और चेहरा उनका लटका हुआ है, और पंजाब के फैंस खुशी मना रहे हैं। वैसे क्या होगा अगले दो ओवर में पता चलेगा, लेकिन चलिए देखते हैं और इंतज़ार करते हैं। वैसे सबके चेहरे पर टेंशन वाला माहौल है और पूरा मैदान शांत है, लेकिन एक बात तो कहूँगा कि पूरे जिला स्कूल जो फैन पार्क है वो पूरा भर चुका है और खचाखच भीड़ है, स्टेडियम पूरा फुल चल रहा है मैच देखने के लिए, तो बने रहिए। चेन्नई का मैदान
सीन थिएटर है, यहाँ सपने बनते भी है सपने टूटते भी है। महेंद्र सिंह धोनी की है टीम, एक गेंद तीन रन, कई फील्ड को कुछ बदलेंगे क्या सिंगल को रोकते हैं, करेंगे नहीं ऐसा। यहाँ पे सारे चेन्नई के फैंस थे लेकिन पंजाब के जीतते ही सारे लोग खुशी मनाने लगे। वैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी उदास हैं, उनका मुंह लटका हुआ है, लेकिन फिर भी पंजाब के सपोर्टर्स जो हैं वो खुशी मना रहे हैं और झूम नाच रहे हैं। यही होता है मैच, एक हारता एक जीतता है। पंजाब जीता और चेन्नई हारा, कोई नहीं, चेन्नई हो सकता है अगला मैच जीत जाएगा, पंजाब हार जाए, कोई नहीं जानता कि अगला मैच में क्या होगा। फिलहाल तो अभी ये रिजल्ट आया है कि पंजाब जीता और चेन्नई हार गया। अमित मिश्रा जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, पीयूष चावला की वो गेंदबाजी, और सबसे सफल टीम इस लीग में मुंबई इंडियंस, पांच बार चैंपियन, दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी चार बार ये ट्रॉफी अपने नाम उन्होंने की। Now back to pavilion, चेन्नई और पंजाब की मैच थी, मेरा prediction था कि चेन्नई जीतेगा, लेकिन मेरा prediction काम आया नहीं, चेन्नई मैच हार गई। वैसे मुझे मतलब नहीं है कोई भी जीते कोई भी हारे, मैं enjoy करने आया था, enjoy कर लिया, थोड़ा सा content मिल गया। Now back to pavilion, क्योंकि मुझे अभी काम पे जाना है, शॉप पे जाना है, क्योंकि वहाँ का इंतजार हो रहा है। तो अभी मैच स्टार्ट हो चुका है मुंबई और राजस्थान का, जो मैच चलेगा अभी, और यहाँ पे मुकाबला खेलेंगे। भीड़ है यहाँ पे लोगों की, आने वाले और जाने वाले, क्या बोले हो, स्टिल भीड़, जितने पब्लिक निकल नहीं रहे उससे ज़्यादा पब्लिक यहाँ जाने के लिए बेताब है। ये है मुजफ्फरपुर का फैन पार्क जो जिला स्कूल में है। चलो
सो यहाँ पे टाटा आईपीएल फैन पार्क मुजफ्फरपुर जो लगा हुआ था सैटरडे और संडे जो कि ख़त्म हो चुका है और शायद नेक्स्ट गैंगटॉक में होने वाला है। तो जो भी पब्लिक जो भी ऑडियंस टाटा आईपीएल फैन पार्क का मज़ा लेना चाहती है तो अगले सैटरडे संडे को गैंगटॉक जा सकती है। तो वैसे मैंने ये आईपीएल फैन पार्क का पार्ट टू है जो आपके सामने है और मैंने पार्ट वन इससे पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखा था अपने चैनल पे। तो जो लोग ने पार्ट वन नहीं देखा है या जिनसे छूट गया हो मिस कर गए हो वो जाके दोबारा देख सकते हैं। मैंने पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहाँ पे जाके आप दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो में और तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।